नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज सेकंड ईयर की क्लास, जिसका फर्स्ट पेपर हम पढ़ रहे हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी, मेथड्स ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस, सोशल रिसर्च मेथड्स। तो सामाजिक अनुसंधान कैसे के एक पार्ट कंटेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। अंतर्वस्तु विश्लेषण भी इसको कहा जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण द्वितीयक सामग्री से, विशेष रूप से लिखित सामग्री से, सूचनाएं अथवा तथ्यों को संकलित करने की एक प्रमुख विधि है। इसका संबंध केवल अंतर्वस्तु अर्थात सामग्री या विषय से ही नहीं होता, बल्कि इसे संचार के अर्थ को व्यक्त करने वाले शास्त्रीय वाक्य द्वारा समझा जा सकता है। तो इन बातों से हमने समझा कि कंटेंट एनालिसिस, अंतर्वस्तु विश्लेषण, द्वितीयक सामग्री से सूचनाएं एकत्रित करने की विधि है। इसे सामग्री विश्लेषण अध्ययन पद्धति अथवा विषय विश्लेषण पद्धति भी कहा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि अनुसंधानकर्ता प्रकाशित या अप्रकाशित लेखों, पुस्तकों या अन्य संचार के साधनों का विश्लेषण कर एक वर्गीकृत संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रविधि का विकास सामाजिक अनुसंधान में इस उद्देश्य के साथ किया गया कि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक क्रियाओं या सामाजिक अभिव्यक्तियों के व्यक्त अंतर्वस्तु का विश्लेषण क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से किया जा सके। इसमें केवल घटनाओं का, सामग्री का ही विश्लेषण, बल्कि संचार के अर्थ को व्यक्त करने वाले वाक्यों को भी समझा जाता है। जैसे ये जानना समझा जाता है, जाना जाता है कि कौन कहता है, क्या कहता है, किसे कहता है, कैसे कहता है तथा कहने का प्रभाव क्या पड़ा। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण लिखित सामग्री का एक एनालिसिस है, अंतर्वस्तु का एनालिसिस है कि किसने कहा, किससे कहा, सॉरी, कब कहा, कैसे कहा गया और इसका प्रभाव क्या पड़ा। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम ले रहे हैं, कैप्लोन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति एक दी गई वार्ता के अर्थों की एक व्यवस्थित एवं मात्रात्मक रूप में व्याख्या करती है। अर्थात यह बताती है कि ये जो वार्ता हो रही है वो किस संदर्भ में की गई है और इसका प्रभाव क्या। अगली डेफिनेशन हम ले रहे हैं बैरलसन की। उनके अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति संचार के प्रकार, विश्लेषण के उद्देश्यात्मक, क्रमबद्ध और गुणात्मक विवरण हेतु अनुसंधान की एक प्रविधि है। अर्थात यह रिसर्च की एक प्रविधि है जिसमें संचार के प्रकार, विश्लेषण के उद्देश्य और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थाओं को देखा जाता है, क्रमबद्ध रूप से उसका विश्लेषण किया जाता है। इससे यह बात समझ आती है कि इसका संबंध संचार साधनों के प्रभावों के निर्धारण से है। अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार के साधनों के प्रभाव को प्रदर्शित करती है कि किसी भी बात का अर्थ क्या निकलेगा और उसका प्रभाव कितना पड़ेगा। यह मात्रात्मक होती है, यह वस्तुनिष्ठ होती है, यह व्यवस्थित होती है और इसका प्रयोग सामाजिक सामान्यकरणों के लिए किया जाता है। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण एक व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक पद्धति है जिसमें संचार के साधनों के प्रभाव अध्ययन किया जाता है। इन सभी परिभाषाओं के बाद अब हम समझेंगे इसकी विशेषताएं। अंतर्वस्तु विश्लेषण की विशेषताएं हैं, सबसे पहली, संचार सामग्री में प्रवृत्तियों का वर्णन करना। अर्थात इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग वस्तु में प्रकृति और परिवर्तन को लिखना है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक ही व्यवस्था का निरंतर काफी लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो कुछ नए तथ्यों के सामने आने की संभावना होती है और इसी क्रम में इस प्रवृत्ति का, इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। की अगली विशेषता है विद्वता के विकास को खोजना। अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा
विभिन्न क्षेत्रों में से प्रकाशित सामग्री में से उत्कृष्ट रचनाओं को खोजा जा सकता है। इस विश्लेषण का प्रयोग साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है और इस प्रकार अंतर्वस्तु विश्लेषण विद्वता एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में रचना एवं विकास के वर्णन के लिए एक लाभदायक साधन बन सकता है। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण में संचार सामग्री का, प्रकाशित सामग्री का उचित प्रयोग किया जाता है और उत्कृष्ट रचनाओं की खोज की जाती है। संचार वस्तु में अंतरराष्ट्रीय भिन्नताओं को प्रकट करते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण की नेक्स्ट विशेषता है, संचार वस्तु में अंतरराष्ट्रीय भिन्नताओं को प्रकट करते हैं। इस विधि द्वारा व्यवस्थित विश्लेषण समाचार पत्र एवं रेडियो पर सामान्य रुचि एवं महत्ता के क्या समाचार आते हैं, इनका क्या असर होता है, किस प्रकार किसी समस्या का हल ढूंढा जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर तुलनात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा किए जाते हैं। तो तुलनात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भिन्नताओं को भी प्रकट किया जाता है कि इसी घटना को कहां किस रूप में देखा गया, कहीं किस रूप में देखा गया। इसकी अगली विशेषता है संचार माध्यमों की तुलना। संचार के भिन्न भिन्न माध्यम और भिन्न भिन्न स्तर न होकर केवल भिन्न भिन्न जन समूहों को आकर्षित करते हैं, बल्कि वे समान विषयों को भिन्न भिन्न अर्थों में व्यक्त करते हैं। संचार माध्यमों द्वारा समान विषयों को भिन्न भिन्न अर्थों में व्यक्त किया जाता है और अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार माध्यमों की तुलनात्मक विश्लेषण करने में मदद करता है। नेक्स्ट है संचार सामग्री की लेखा परीक्षा। इस विधि का प्रयोग संचारकर्ता के उद्देश्य तथा सिद्धांतों के अंतर्गत संचार सामग्री में त्रुटिपूर्ण वर्णन तथा अन्य त्रुटियों को ठीक करने में किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण त्रुटियों का वर्णन करता है और त्रुटियों को ठीक करने में भी मदद करता है। इसके द्वारा स्तर का निर्माण और लागू किया जाता है। संचार विश्लेषण द्वारा संचारों का वर्णन किया जाता है और उनको लागू किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अंतर वस्तु विश्लेषण पद्धति ध्यान के केंद्र बिंदु को स्पष्ट करती है। यह विधि संचार के प्रति मनोवृत्तियों एवं व्यवहारात्मक प्रत्युत्तरों का वर्णन करती है। इसके माध्यम से संचार करने वाले कर्मचारियों की विशेषताओं को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण लिखित सामग्री का, प्रकाशित सामग्री का विश्लेषण करने की, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार किस घटना को किस रूप में प्रस्तुत किया गया। अब हम पढ़ेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण में अंतर्निहित मान्यताएं। क्या मान्यताएं हैं जिन पर यह आधारित? पहली मान्यता है अंतर्वस्तु तथा प्रभाव का परस्पर संबंध अर्थपूर्ण है। अर्थात अंतर्वस्तु और प्रभाव परस्पर स्पष्ट रूप से संबंधित है, इनको देखा जा सकता है, इनका निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अंतर्वस्तु का अध्ययन अर्थपूर्ण है। जब हम अंतर्वस्तु का अध्ययन करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो वह भी अर्थपूर्ण है। संचार की अंतर्वस्तु का गणनात्मक विवरण अर्थपूर्ण है। ये तीनों बातें ये कहती हैं कि अंतर्वस्तु का प्रभाव से, प्रत्यक्ष अंतर्वस्तु से और संचार से अर्थपूर्ण संबंध है और इसके आधार पर किसी भी घटना को समझा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियां। किस प्रकार से अंतर्वस्तु विश्लेषण किया जाता है? तो इसकी दो श्रेणी रूप से है, क्यों कहा गया और कैसे कहा गया। इस विधि में सर्वप्रथम विश्लेषण की इकाइयों का चयन किया जाता है और चयनित इकाइयों को निश्चित श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है और इसके पश्चात हम उनको विश्लेषण के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। कथन के आधार पर अंतर्वस्तु विश्लेषण को दो भागों में बांटा गया है, दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है,
क्यों कहा गया पर आधारित श्रेणियां तथा कैसे कहा गया पर आधारित श्रेणियां। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्यों कहा गया। क्यों कहा गया कि सबसे पहली श्रेणी है विषय अंतर वस्तु। यह अंतर वस्तु विश्लेषण में प्रयुक्त की जाने वाली श्रेणियों में सबसे प्रमुख सामान्य श्रेणी है और यह प्रारंभिक प्रश्नों का उत्तर देती है। इसमें हम ये देखते हैं कि विषय की अंतर वस्तु क्या है, किस बारे में बात की जा रही है। सेकंड है स्थिति या दशा। इस श्रेणी में इस तथ्य का उत्तर दिया जाता है कि संचार विशेष विषय के पक्ष विरुद्ध या तटस्थ दिशा में कार्य कर रहा है। स्थिति या दशा हमें बताती है कि घटना के समय संचार का किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट प्रकार है प्रमाण। यह श्रेणी आधार भी कहलाती है, इसको आधार भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य जिसके आधार पर पूर्व स्थिति में वर्गीकरण किया गया हो। इस श्रेणी का प्रयोग लास्वेल ने यह ज्ञात करने के लिए किया था कि मूल्यांकन किस आधार पर किया गया, मतलब जो भी घटना घटी उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया गया, यह इस श्रेणी की विशेषता को बताता है। नेक्स्ट है मूल्य। बेरल्सन ने इस श्रेणी को लक्ष्य एवं आवश्यकता भी कहा है और कहा है कि किन मूल्यों, मूल्य से तात्पर्य अपन वैल्यूज, कि किस मूल्यों के पीछे व्यक्ति दौड़ रहा है या किस कारण से ये घटना घटी है, तो मूल्य प्रमाणों से घनिष्ठ रूप से संबंधित। इस श्रेणी का प्रयोग राजनीतिक विषयों का संगठन आदि रूप में जाता है। इसका नेक्स्ट है लक्षण। इस लक्षण में व्यक्तिगत विशेषताओं को देखा जाता है, जिसे क्षमता भी कहते हैं। व्यक्तिगत विशेषताओं को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो उपश्रेणियों में बांटा गया है। कर्ता। कर्ता श्रेणी के अंतर्गत उस व्यक्ति, समूह या अन्य को रखा जाता है जो केंद्रीय स्थिति में क्रिया के संचालक के रूप में प्रभावित होता है, अर्थात जो क्रियाओं को प्रतिनिधित्व करता है, क्रिया करता है, वह है कर्ता। यह क्यों कहा गया कि मुख्य श्रेणी के रूप में माना जा सकता है। नेक्स्ट श्रेणी है अधिकार। यह श्रेणी स्रोत भी कहलाती है, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति या समूह से है जिसके नाम से वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है उसका प्रयोग कुछ अध्ययनों में संचार के उत्पत्ति स्रोत को बताने के लिए किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि श्रोता का ध्यान किस तरफ निर्देशित करती है। एंड लास्ट है लक्ष्य। इसके लिए संचार विशेष रूप से निर्देशित एवं संचालित किया जाता है, उसे लक्ष्य की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी को संबोधनकर्ता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अंतर वस्तु विश्लेषण की क्यों कहा गया कि 10 श्रेणियां हैं। फर्स्ट विषय अंतर वस्तु, स्थिति या दशा, प्रमाण, सिद्धांत, मूल्य, कर्ता, लक्षण, उत्पत्ति, स्रोत और लक्ष्य, जिनके आधार पे क्यों कहा गया कि श्रेणी निर्धारित होती। अगली श्रेणी है कैसे कहा गया पर आधारित। इसमें इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है कि कहने का तरीका कैसा था, और इसे पुनः चार उप श्रेणियों में बांटा गया है। संचार का प्रकार, कथन का स्वरूप, गहनता, प्रचारात्मक चरित्र। फर्स्ट है संचार का प्रकार। इसमें उपश्रेणीकरण करने के लिए भाषा या कार्यक्रम के आधार पर कर्ताओं का वर्गीकरण किया जाता है और उस आधार पर ही संचार के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। कथन का स्वरूप। इस श्रेणी का तात्पर्य
व्याकरण संबंधी अथवा वाक्य रचना के नियमों के आधार पर किया जाता है। लासवेल ने इस श्रेणी को 3 भागों में प्रमुख रूप से बांटा है, तथ्य कथन, चयनित कथन और समीकरण कथन, अर्थात कहने का स्वरूप क्या था, कहा कैसे गया था। गहनता, इस श्रेणी का तात्पर्य उत्तेजित मूल्य से है जिससे संचार होता है, अतः इसे कभी कभी संवेगात्मक श्रेणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रचारात्मक चरित्र। इस श्रेणी में किसी वस्तु का उसके प्रचारात्मक चरित्र के आधार पर सामग्री का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से इस पद्धति द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। गुणात्मक सामग्री को परिमाणात्मक रूप में परिवर्तित करके सांख्यिकीय विधियों से उसकी सार्थकता का स्तर भी ज्ञात सकता है। तो कंटेंट एनालिसिस से तात्पर्य है कि लिखित सामग्री में से सूचनाओं और तथ्यों को प्रस्तुत करना, और इसमें ये महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है कि कोई भी कथन क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, किसको कहा गया और उसका प्रभाव क्या पढ़ा, और इसी आधार पर हम इसका अंतर वस्तु विश्लेषण करते हैं। अंतर वस्तु को निश्चित श्रेणियों में वितरित करने की प्रक्रिया को ही अंतर वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। इसकी 2 श्रेणियों के बारे में भी हमने स्टडी किया, क्यों कहा गया है और कैसे कहा गया है। तो इस प्रकार अंतर वस्तु विश्लेषण संचार सामग्री के बारे में अध्ययन करने की एक प्रमुख विधि है। थैंक यू वेरी